कि पैरालाइज का क्या आ गया, अटैक आ गया, और उसके कारण सिर की नाड़ें ब्लॉक होगी और उसमें रेशा आ गया और उसी के कारण स्वेलिंग होगी और आंख, वो अटैक इनकी आंख पर भी आ गया और पूरी आंख सूज गई, बंद हो गई, दिखना इन्हें कम हो गया। पापा जी तो मैंने इतना दर्द हुई, अटैक होया, उस तो बाद इधर वक्खी वाली च इन्नी तकलीफ हुई ना, बुखार नाल, वक्खी च दर्द नाल, एक पूरा टीका रोज दा दर्द दा भी लवानी हाँ, बुखार की भी दवाई खानी हाँ, इन्नी क दर्द हो गई कि मैं मतलब उठ बैठ नहीं सकती। मैं मतलब आपकी सिर की नाड़े तो ब्लॉक हुई हुई, हाँ, आंख पर तो अटैक आया ही आया, हाँ, मतलब प्लस आपकी इस वक्खी में दर्द, हाँ, और पूरी मतलब पेन रहती थी, अब रोज इंजेक्शन लगाते, पूरी इंजेक्शन लवानी है, कई मौके दो लवाने पैंदे ही, लक च नला च, मतलब कि मैं आ नहीं, काम नहीं कर सकती। चल शैतान, अटैक देने वाली आत्मा, उखड़ इसकी बॉडी से, इसकी आंख से, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस, निकल। सिस्टर का नाम बलजीत कौर है और जे अमृतसर के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले इनका बीपी हाई हो गया था और जिसके कारण बीपी हाई होने के कारण इनको पैरालाइज का अटैक आ गया और जिसके कारण इनकी हालत काफ़ी गंभीर होगी, ख़राब होगी, जिसके कारण जैसे जे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने पहले इनको मेडिसिन तो दी और फिर डॉक्टर ने कहा कि आप एक्सरा कराओ, जैसे इन्होंने एक्सरा करवाया तो पहले हम उनका एक्सरा देखेंगे और जे इनके सिर का एक्सरा है जूम करो, अच्छे से दिखाओ, जूम करो, जूम, हाँ, तो ओके। तो डॉक्टर ने जब एक्सरा किया तो उन्होंने बताया कि आपके जो पैरालाइज टैग आने के कारण आपके सिर पर असर पड़ गया है, जो आपके सिर की नाड़ी है उसमें रेशा आ गया और सिर की नाड़ी ब्लॉक हो गई है क्योंकि इनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द थी और उसके कारण ही वही असर इनकी लेफ्ट साइड आँख पर भी पड़ गया था। इनकी पूरी आँख पूरी स्वेलिंग के साथ थी, भर गई, स्वेलिंग हो गई थी आँख में और आँख पूरी बंद हो गई थी। हम उस पिक को भी देखेंगे। और जिसके कारण जी बहन बहुत ही परेशान हो चुकी थी क्योंकि इनकी आंख से इतना पानी बहता था और इनको साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था और आंख तो बंद हो गई थी, जिसके कारण जी बहुत परेशान थे क्योंकि कुछ ही दिनों में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और जिसके कारण जी मेडिसिन भी खा रहे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे जी सिस्टर ने बताया क्योंकि जी पहले भी चर्च आ रहे थे और जब इनके जो सिस्टर जो इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और जैसे उनको पता चला कि जे अच्छे नहीं हैं तो उन्होंने फिर से इनको उत्साहित किया कि आप फिर चर्च आओ, परमेश्वर ने पहले भी आपके जीवन में बहुत सारे काम किए, परमेश्वर अभी भी आपको अच्छा करेगा। और जैसे जे सिस्टर उस दिन प्रभु के दास यूथ बच्चों की मीटिंग थी और जैसे जे सिस्टर मीटिंग के दिन चर्च में आए और प्रभु के दास के साथ जिस दिन इनकी यूथ बच्चों की सैटरडे के दिन मीटिंग थी और इनके साथ मीटिंग हुई तो प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया क्योंकि इन पर हालात आने का कारण ये था कि जी परमेश्वर से इस चर्च में आए हुए इनको 3 महीने हो गए थे कि जी परमेश्वर से दूर हो गए थे और इन्होंने 3 महीने में कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, परमेश्वर से बिल्कुल दूर थे, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं था, जिसके कारण जी हालात इन पर आ गया था। और जैसे प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया कि आज अपना अपना मन फिराएं और परमेश्वर से माफ़ी मांगे और डरे नहीं क्योंकि परमेश्वर भले हैं और सब कुछ कर सकते हैं, और जैसे इनको उत्साहित किया और जब अपने घर गए और इन्होंने प्रार्थना की, अपना मन फिराया और इनको सुनो सुनो, अभी आपने इनकी प्रॉब्लम के बारे सुना कि पैरालाइज का क्या आ गया, अटैक आ गया और उसके कारण सिर की नाड़ें ब्लॉक होगी और उसमें रेशा आ गया और उसी के कारण स्वेलिंग होगी और आंख, वो अटैक इनकी आंख पर भी आ गया और पूरी आंख सूज गई, बंद हो गई, दिखना इन्हें कम हो गया, मतलब हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखता था, ऐसा कुछ हो गया। पर जब जे आए, बोले क्या आई, जब जे आई इनकी सिस्टर, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे थी
तो ये भी आ रहे थे, पर ना आने की वजह के कारण ये प्रॉब्लम आई। पर परमेश्वर तो भला है ना, बोलो क्या है, बोलो आप कितनी देर तक नहीं आए। माइक देना इन्हें थोड़ा सा। महीने पापा, कितने महीने? तीन महीने। तीन महीने। इसीलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा रोटी से भी ज्यादा जरूरी क्या है? अब सबको पता है बिना रोटी खाए बंदा रह नहीं सकता। ध्यान से सुनो इस बात को, सबको पता है कि बिना रोटी खाए नहीं बंदा रह सकता। रह सकता है, तुम एक दिन ना खाओ, तुम एक टाइम ना खाओ, क्या हाल हो जाता है? हाँ होता है ना। पर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? रोटी से ज्यादा जरूरी क्या है? उसका वचन है। ना खाने की वजह के कारण हालात आते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया तो उसने कहा देखना तू अच्छा हो गया है, अब दोबारा पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर फिर आ जाए। जब आ रहे थे तो परमेश्वर ने बड़े काम किए, बहुत रस्तों को खोला, बहुत ब्लेसिंग दी, दुखों से छुटकारा दिया, पर ना आने की वजह के कारण ये हालात आया। बोलो क्या आया? हालात आया। पर परमेश्वर भला है। बोलो क्या है? परमेश्वर भला है। वो फिर क्या करता है? माफ करता है और चंगा करता है। हाँ बताओ, आगे बताओ गवाही। और जी बता रहे कि जैसे उस दिन उन्होंने पर्सनल मीटिंग कर कर गए, जो आंख से पानी बहता था वो तो उस दिन ही बंद हो गया था, और जैसे उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग को अटेंड किया, 20 नवंबर की मीटिंग में आए, और जैसे उस दिन इनके लिए लैंड हुई, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। यस खुदावन, पीपी के कारण इनको पैरालाइज का अटैक आया, जिसके कारण इनकी आंख में जो असर पड़ा है, चालीसता अटैक देने वाली आत्मा अखड़ इसकी बॉडी से, इसकी आंख से आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। निकल शैतानी मेज से खाया और खिलाया, आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की स्वेलिंग, वीकनेस जो बॉडी में, आंख में शैतान जो बीमारी दी है तूने, तुझे आउट करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रे। और जैसे इस बहन के लिए प्रभु के दास के द्वारा ले हैंड हुई, और उसके बाद जो लगातार प्रार्थना बने रहे, धन्यवाद करते रहे, और जो बता रहे कि जो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी थी खाने के लिए और कहा था कि आपने फिर से अपने रिपोर्ट करानी है, एक्स्ट्रा कराना है, और जो बता रहे कि उन्होंने बताया कि एक हफ्ते में ही जैसे जो प्रार्थना में बने थे, जो आँख में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई, और जो मेडिसिन थी इन्होंने वो मेडिसिन भी बंद कर दी, क्योंकि इनका कहना है कि जी बिल्कुल अच्छे हो गए थे, और जिसके लिए इनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि जी फिर से अपनी रिपोर्ट्स कराएं। और आज हम देख सकते हैं क्लेसिया के आपके सामने, आज इनकी लेफ्ट साइड आँख में कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई आंख से पानी नहीं बहता, परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आज आजाद कर दिया है। हम सब जोर से तारीफ बड़ी, करेंगे। बड़ी तारीफ होनी चाहिए। दोनों हाथों को उठा दो, मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजूदे हो यीशु के मजे, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजूदे हो यीशु के मजे, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजूदे हो यीशु के हजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ठीक है, सुनते हैं इनके मुंह से भी। पापा जी तो मैंने इतना दर्द हुई, अटैक होया, उस तो बाद इधर वक्खी वाली च इन्नी क तकलीफ हुई ना, बुखार नाल, वक्खी च दर्द नाल, एक पूरा टीका रोज का दर्द का भी लवानी हाँ, बुखार की भी दवाई खानी हाँ, इन्नी क दर्द हो गई कि मैं मतलब उठ बैठ नहीं सकती। मैं मतलब आपकी सिर की नाड़े तो ब्लॉक हुई हुई, हाँ आंख पर तो अटैक आया ही आया, मतलब प्लस आपकी इस वक्खी में दर्द, हाँ और पूरी मतलब
पेन रहती थी, अब रोज इंजेक्शन लगाते, पूरी इंजेक्शन लगवानी है, कई मौके दो लगवाने पैंदे ही, लक च नलां च, मतलब कि मैं आ नहीं काम नहीं कर सकती, मैं अपनी वेर के ननान दे कोल आ गई काम करन दे बावजूद, मेरे को नहीं सी काम हुंदा, चार पांच दिन मैं इन्ना को रह के गई, ये भी बहुत परेशान है, मैंने वे वे के रोंदे हुंदे कि इन्नी तकलीफ तेनू क्यों आन रही है, पर मैं अपनी गलतियां मानती हाँ कि मैं प्रभु नूं छड़ सकी, ये अच्छा किया, क्योंकि देखो परमेश्वर भला है, जब इंसान देखो नीति वचन 28 की 13 में लिखा, 13 और 14 में, अगर तू अपने पाप को मान लेगा तो तुझ पर दया की जाएगी, क्या करेगी यही, तुझ पर दया की जाएगी, अगर तू मन को कठोर करेगा तो फिर और विपत्ति में पड़े, इन्होंने मान लिया कि मैंने गलत किया, हाँ मैं गलत किया, मेरा मन बहुत दोष लाता है, मेरा मन करता है कि मैं चर्च जावा, मैनू किसी ने कहा एक दो बारी कि उत्थे जा, पर मेरा मन नूं शांति नहीं, मैं कहा मैं जिथे पहले जानी मैं उत्थे ही जाना वा। देखो एक चीज आपको मैं बताता हूं, जहां पे भी देखो परमेश्वर जानता है, बोलो क्या है, परमेश्वर जानता है, क्योंकि ये नॉर्मली मिनिस्ट्री नहीं है, और मेरा विश्वास है कि खुदावंद जिस रीति से हमें इस्तेमाल कर रहा है, आने वाले दिनों में परमेश्वर लंगड़ों को भी चलाएगा, लोग व्हील चेयर से उठेंगे, चार पाई अपने उठाकर जाएंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे और बहरे सुनेंगे, होगा ऐसा होगा, खुदावंद करेगा वो, खुदावंद जैसे इनके साथ भी खुदा ने देखो कितना बड़ा चमत्कार किया। ऐतवार की मीटिंग पापा मैं सुन के गई, मैं रात अपनी ननान को रह के गई, सोमवार मैं घर गई, मेरी सारी गली हैरान हो गई मेरा मुंह वेख के, के मतलब के तेरी अख इत्थे आई ही सोच के, ते तू इन्नी जल्दी चंगी हो के आ गई, कित्थों हो के आ गई, मैं कहा मैं अपने परमेश्वर को हो के आ गई, समझ आ रही है, इसलिए क्यों कहते हैं जीवित चर्च में जाओ, जहां पे खुदावंद का रूह उसका आत्मा काम करता है, हमें हमें परमेश्वर ने, सुनो सुनो सुनो, मेडिकल लाइन की आप में से कोई नॉलेज रखता है, क्योंकि मुझे लगता है जब पैरालाइज का अटैक आता है तो बहुत कम लोग हील होते हैं, बोलो क्या है, जब पैरालाइज का किसी भी चीज पर अटैक आता है तो उसकी जो चीज हो जाती है फिर वो वहीं पर रहती, वो रुकती, मतलब वो खत्म नहीं होती हमारी बॉडी से, होता है कोई आप में से कोई मेडिकल अगर इसकी नॉलेज रखता हो तो, हाँ कौन बैठे हैं? वो देखो एक पीछे कहते हैं भाई साहब बैठे, उनको भी अटैक आया, जब से उन्हें पैरालाइज का अटैक आया उनके अंग तब से ऐसे हैं, क्या है, जब से उनका पैरालाइज का अटैक आया उनके अंग के हैं, पर परमेश्वर महान है, बोलो क्या है, परमेश्वर महान है, महान है, और जब कोई इंसान मन फिराता है और उसके प्रेम को उसकी बात को समझता है तो खुदा मन ध्यावान और ध्या करता है, बोलो क्या करता है, वो ध्या करता, हील भी करता, चंगा भी करता है, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, पर प्रभु में ये सब कुछ होता है, उसमें सब कुछ होता है, आमीन आमीन हालेलुया, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से, ये छोटी गवाही नहीं है, मैं देनी है गवाही ओदे नां दी, मैं देनी है गवाही ओदे नां दी, मैं देनी है गवाही ओदे नां दी, मैं देनी है गवाही ओदे नां के यीशु मैनू चंगा करिया, हो करा दिल तो तारीफ ओदे नां दी के यीशु मैनू चंगा करिया, ਕਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ, ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, इसलिए अपने उदास मन को जैसे दाऊद कहता है शांत हो जा, अपने मन को, जितने लोग उदास हैं जो ऑनलाइन भी हैं, अगर उनके जीवन में हो नहीं रहा वो जो चीज चाहते हैं, अगर वो हो नहीं रहा, क्योंकि बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 3:19 में लिखा है,
कि अगर आपका मन आपको दोष देगा तो फिर आपको हियाब नहीं होगा, आपके मन के अंदर दलेरी नहीं होगी कि ये काम परमेश्वर कर सकता है। इसलिए दाऊद कहता है जबूर भजन संहिता 62:8 में लिखा है, बोलो क्या है? उसमें लिखा है दाऊद अपने मन को कहता है शांत हो जा, चुप हो जा, मेरी आशा परमेश्वर पर है। और जितने लोग उस पर आशा रखते हैं, लिखा आशा से लज्जा नहीं होती, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अगर आपने आशा रखी है तो आप शर्मिंदे नहीं होंगे। मैंने कहा आप शर्मिंदे नहीं होंगे, आपके मुंह कभी काले नहीं होंगे, वो ज्योति है और अब ज्योति के समान चमकोगे। आमीन। इसलिए जो लोग उदास हैं, सोच रहे हैं कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, वो शांत कराओ अपने मन को, क्योंकि आपका परमेश्वर सच्चा है और वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की और बदलने की ताकत रखता है। आमीन।